नमस्कार सभी भाई और बहनों को। तो अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और हम आज जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आज हम जाएंगे बागेश्वर बालाजी धाम पापा के साथ में। ये आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। मम्मी सुबह 5 बजे से उठा रही है और बच्चे भी उठ गए हैं। वंदना नाम है किरण और कल्पना के। दूध पी रही है? इसने नहीं पिया? क्यों नहीं पिया? मम्मी आएगी तब भी। अच्छा नानी नवे होती? भी उठ गई है से लास्ट उठ गई। मैं गुदरा गदरा समट गया हूँ तो देखूंगी मैं अभी। हाँ समट गया सच्ची। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं और अभी हम तैयार हो गए हैं। 7 बज चुके हैं और मम्मी हमें कब से कह रही थी कि आप लेट करोगे। हम तैयार बैठे हैं, मम्मी का इंतजार कर रहे हैं। मम्मी काम ज्यादा करे, उठ के नाई जी है, मम्मी काम सारा करेगा। सही बात। अब बोलो बागेश्वर बालाजी धाम की। तो अभी घर से रवाना हो गए हैं, सारे बैठ गए हैं। पूरा ही माया गाड़ी का आज का जो मौसम है, धूप निकलेगी, बिल्कुल भी बादल नहीं है। हमारे भाग के बादल नहीं है आज। देसी घी का के मतलब अपने आप ही लिए, पापा कहे भी नहीं, ध्यान है लड्डू ले सी। अरे कहीं तो है, रोल दीजिए। हर शनिवार हर मंगलवार जावे तो अठो कोई लाते ऊंट काटा तो भी है खेत जा रहे हैं ऊंट काटा लेकर। ये देखिए बारिश का पानी कितना भरा हुआ है। अरे हाँ बड़ी तो आती पर भी पानी भरा हुआ है। इस तरह से ये पूरी की पूरी कतार उंटांगी टोली अन आगे जाके सज्जा सी मन लागे ने सज्जा सी के कसी जो को तो अन बात कर ले उतर गए नहीं ये बदला सदली बेचा तुड़का करण खातिर ले जनता लग गया मन। ओ इया के इनने लेनी है, लंबी है टोली तो आगे ले ले ठेठते हैं अपन गाड़ी इनने लेनी है। ये गांव के ताल में बारिश का पानी इकट्ठा हो गए हैं। ओ पानी भी रोड अटकरी बार रोड नहीं, वहां से सड़क थी पानी भर गए तो अभी दूसरी सड़क से जा रहे हैं। एकदम हिमाचल बन गए, कितना सुंदर लग रहा है। एक महीना इसे रहसी है बाद में तो सूख जी बाचो गरांगी गाय कट लगे मैंने नी चरण का तरह नहीं गरांगी गाय है बढ़िया बात है।
गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट गारबदेसर गांव के अंदर है, तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर। मैं उधर जाऊं ले। तो अभी हम धाम पर पहुंच गए हैं और धाम पर बहुत सारी चीजें पिछली बार हम आए थे उससे ज्यादा बनवा दी गई हैं, जैसे कि ये अभी बनवाया है, प्याऊ बनवा दिए यहाँ पे। ये देखिए कितनी बड़ी प्याऊ बनाई है, इसमें इतने सारे ये नल लगाए हैं, 3, 3, 6, 7 लगाए हुए हैं। ये बनवाई इन्होंने वालजी भाई, लिम्बा भाई, रामानी। अरे वो तो बहुत ऊंचो नहीं, अब तो नीचो किया हो गयो, माटी घेर दी। तो नीचे माटी घेर दी, नहीं तो इतना दिखा ही को नहीं हुआ अपन सामने। ये चिड़ियों के दाना चुगने के लिए पिंजरा, पानी भी भरे डोगे। और प्याऊ के नीचे ये कमरा बनाया हुआ है जिसमें ये कट्टे रखे हुए हैं गायों को चूरी वगैरह देने के लिए, चाटा देने के लिए। और इस साइड में गैस सिलेंडर रख दिया है चाय वगैरह बनाने के लिए। ये धाम पर आकर बहुत प्राउड फील होता है कि पापा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी पापा आते ही सबसे पहले गायों को चाटा भंटा आहार देंगे। छोटी की टोकरती टोकरती आनी सही है। छोटियां ना लग दे वो तो। टीम छोटी है। टीम छोटी है, जो थोड़ा छोटी है कि एक साइड का मतलब है। बटड़ी मार दे मैं कर दूं। की टीम है जिकिन छोटी। पहले जो प्रक्रिया है रोजाना चलती है और इसमें 7 प्रकार के न्यूट्रिमेंट हैं। दाल है 3 प्रकार की, तो चने की, उड़द की, आहार की दाल है, चूरी है, गुड़ है, फल है और साथ में जो है ये गुड़ फल चूरी और दालें, और इसके अलावा मतलब ये बुरादा सा है मक्की का। तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार के न्यूट्रिमेंट, एक कट्टा 1,000 रुपये का है और रोजाना अभी जो गायों को हमें आधा कट्टा दे रहे हैं, रोजाना आधा कट्टा गायों के हिसाब से, क्योंकि अभी गायों की संख्या 40 है। तो आधा कट्टा रोजाना देते हैं। इसके बाद गाय आराम से मतलब खानों पर खुले खान लगा लेते हैं। परिसर में जहाँ पर गायों को रात को रोक करके रखा जाता है वहाँ पर भी खान है। तीन साइड जो है बरसात का टाइम है, तीन साइड के नीचे भी खान लगा रखे हैं। इसके अलावा खुले स्थान पर भी खान है। तो गाय जहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार चर सकती है, चारों तरफ गोल गोल घूम सकती है और पानी पी सकती है। यहाँ पर पानी की खेल भी पास में बनाई हुई है, एक खेल और यहाँ पर बनेगी है। मेरे बहुत से भाई बहन हैं यूट्यूब परिवार के कि गायों को हरा चारा डालो, हरा चारा, तो इससे अच्छा हरा चारा क्या होगा, ये भी रोजाना अभी गायों को चराया जाए। और इसके बाद में फिर मोल लेना चालू कर देंगे हरे चारों के। हाँ हरे चारों को घास है नी या मतलब दड़ी गई साहब वहाँ बेचन ना हुए उसका गांव में गरीब गुरबा है नी कोई या खुद मतलब उपाड़ उपाड़ के ले आगे कट्टा भर भर के ले आगे बेचे बेचे तो पानी स्पेशल ऑर्डर दे दे समझ लिया सिंपल सारा। नीम का रह के पापा पेड़ क्या है? गौशाला परिसर में 20 पौधा लागे रहे हैं। गौशाला परिसर में 20 पौधा लागे रहे हैं और बी साइड धाम परिसर में 180 पौधा लागे रहे हैं। टोटल 200 पौधा कंप्लीट लगा चुके हैं और 200 में कंप्लीट ही लाग गया। अभी तो एक ही खराब हो नहीं है, मात्र एक में तो खराब हो रहे हैं जाली के देखो वो नयो लगाने का विचार है त्याग लगे। ये देखिए ये छोटा सा क्यूट सा, इसको अकेले अरे ला 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 आज 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 खा लो खा लो। श्रीमती मृदुला बहन ने ये बनवाया है, ये हेडपंप लगाए हुए हैं। मतलब गेट रेसी अठे गौशाला वो मेन गेट है। मेन गेट की दोनों तरफ एक तरफ पिंपली और एक तरफ पीपल। ओ पिंपल है जो गोवर्धन सिंह राजपुरोहित शेरानी गांव सांकरना जिला जालौर हाल नाइजीरिया से। तो ये दोनों पत्नी पति पत्नी के नाम के पिंपल और पिंपली लगाए हैं।
क्यों शुरुआत सबसे पहले शुरुआत पौधा लगाने की आवी हुई इसके बाद में और बाकी पौधा लगे यहाँ पर सेवादारों के लिए मकान बनाने की बात हो रही है कि जो गायों की सेवा करेंगे उनके लिए भी तो वो यहीं रहेंगे 24 घंटे तो उनके लिए भी ये मकान तो नहीं चाहिए फिर तो यहाँ पे मकान बनाएंगे उनके लिए। चाय बना ली है और आज टीला चाय पी रही है पहली बार बटकड़ी मंगा लगे भाई तो लेन लाग रही है आप ही आहा पापा चाय पी लो पापा दे भाई गए ये श्रद्धालु आ रहे हैं सड़क के ऊपर सामने देख सकते हैं आप गांव यहीं पर है पास में ही इंदौरों के पीछे तो पैदल ही आ जाते हैं। चुप्पू सगड़ा ही ले गया हुआ है मम्मी ने भजन आवे आवे क्या कोनी ए बहुत भजन तकड़ा है यांगे क्या और तेरा आवे मक्का कगी हां यांगे हां भाई भाई ओ भाई मक्का हां मम्मी री फटू खेत गांव पड़ोसी आप काम कर दियो घर में आ जाओ मिंदर है भजन कर जाओ जी लागे हैठे मैं तो आप सास रहा हूँ बीती आ रहा हूँ चौक लागे दिखे तो समझ ले करो सास रहा आगे मैं मोटी देखो बड़ी आए मैं तो अलग छोटा कर मोटी है मैं मोटी हूँ छोरिया ढूंढना कटे पहले डोरिया ऊपर है छोरिया डोरिया पर लद है। ये श्री बागेश्वर बालाजी धाम का मंदिर आया और मंगलवार और शनिवार को बहुत ज्यादा आते हैं। पहल प्रधान थे के नाम है प्रजापत नेमा राम जी प्रजापत अब वो सीम तो थाने संभला दी है बागेश्वर बालाजी की कृपा हूँ हर मंगलवार और हर शनिवार थे ही बजा से अभी और जो ही मतलब पाठ भजन भाव कर ले सियां जे बाद में पाछो बैग में गाल के रठी रख जा उठा पटको कोन करनो पड़े ठीक है बाकी बजा सो थे अब ढोलक बजाने वालों कोई है जिकन ढोलक देओ सागे भाई सागे ढोलक तो मेरे YouTube परिवार ये जो सामान है सभी माँ बहन बेटियों को दिया है आसपास का तो ये सामान है
गणेश राम फौजी भाई है, गांव डाबर, जिला पाली, अहमदाबाद से। फौजी भाई को गणेश राम फौजी भाई जिन्होंने ये बात सोच करके और ये सम्मान भेजा, उनको बहुत बहुत परिवार सहित है, उनको शुभकामनाएं, बाकी से बालाजी की कृपा उनको मिलती रहे। अभी बड़ी फेरी देंगे, ये जो मंदिर का जो परिसर है इसके चारों ओर बड़ी फेरी देंगे। बालाजी की कृपा से ही इस गौशाले के अंदर इतने कम समय में इतना काम हो गया है और पापा डेली सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो सब बालाजी की कृपा है। ये देखिए अभी वहां पे पहुंच गए हैं, वापिस मंदिर तक जाएंगे। क्या लगे बंधु? अरे बंधु ही नाम आवे बंधु बाबू किरण, क्या लगे थाने? मस्त लगे क्या? चलो चलो देख माटी खानी नहीं चाहिए। चलो ये इस मंदिर वाले परिसर में ये घास उग गए कांटो वाला, ये सारा घास काट कर गायों को ही देंगे। हाँ ये कांटो वाला घास है और ये इस साइड में पूरी गौशाला है, ये गायों का बाड़ा है और ये इस साइड मंदिर के लिए मंदिर परिसर है। वाओ कितो मस्त लागे नी है, कितो मस्त मौसम हो गयो। अरे वाह बादल ही बादल आ गया। और के तो आपकी किस्मत अच्छी है, बालाजी की कृपा, बालाजी की कृपा है नी। हां जय बालाजी, जय बालाजी, जय बागेश्वर बालाजी धाम की जय। ये देखिए वापस पहुंच गए हैं मंदिर। पूजा हो गई है और फेरी भी हो गई है, तो अभी सबको प्रसाद बांट रहे हैं। ये कल्पना लड्डू खा रही है, दूसरा लड्डू खावेगी। मस्त लगे इतना लड्डू, बूंदी का लड्डू मस्त लगता है, फेवरेट है बूंदी का लड्डू। तो खा लियो कि ना? हाँ। भाई नाम की तरह शिवानी, ये शिवानी है छोटी शिवानी। लड्डू खा लियो शिवानी, लड्डू खा लियोगे? अब खेड़ो खा ले तो पड्डा है के तो पड्डा है स्कूल जावे है, कितने पड्डा है? तो नाम को लिखा हो तो घरे ही पड्डा है के यहाँ के छोटी हो जूनी, तीन चार साल की तो लग गया। ये नए पौधे लगा दिए बारिश होते ही, अरे 200 पौधे लगाए हुए हैं इस परिसर के अंदर, अभी छोटे छोटे हैं तो इतने दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये लगाया हुआ है, वहाँ पर भी है। Thank you.
बनवाई है श्री टिक्कम चंद जी सौंखला। हमने अभी नाश्ता कर लिया है, अभी वापस रवाना हो रहे हैं घर के लिए। और मेरे को बच्ची बहुत अच्छी लगी है। मैं कभी बहुत अच्छी लगी है। मैं कभी मेरे को भी बहुत ज्यादा क्यूट है। वो बहुत ज्यादा लाल कलर का है। बहुत सॉफ्ट है। हाँ देखो सोनिया। तो ये गायों के लिए छाया की हुई है यहाँ पे। छाया में गायें तो दोपहर में आराम से बैठ जाती है। हम वापिस रवाना हो गए हैं और ये धाम है गारबदेसर गांव में, तहसील लूणकरनसर, जिला बीकानेर, राजस्थान के अंदर। अगर आप भी आना चाहते हैं और ये ट्रस्ट चला रहे हैं पापा साधु जर्नी, गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट, और साधु जर्नी यूट्यूब चैनल भी है। ये भी आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर कि कैसे इस गौशाला में काम हो रहा है, कितना हो गया है, सब कुछ आप इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। प्रत्येक वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का स्कैनर QR कोड भी आपको मिलेगा, ताकि आपकी धनराशि आप अपने हिसाब से जितना भी भेजना चाहें भेज सकते हैं, और आपकी धनराशि का 100% सदुपयोग करना मेरी 100% गारंटी है। किसी भी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। और धाम पर जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो प्रतिदिन आप साधु जर्नी चैनल पर देख सकते हैं, और घर बैठे आप भी गौ सेवा कर सकते हैं। कर सकते हैं, मौका मिलेगा सबको। तो थैंक यू, इस वीडियो का यहीं पर कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब बोल दे बाय बाय बाय।